एमएलसी चुनावों को लेकर बिहार में एनडीए की तरह महागठबंधन में भी तकरार तेज हो गई है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनावों की गलतियां इस बार दोहराने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि जिसकी जितनी तैयारी है महागठबंधन में उसे उतनी ही सीटें दी जाएंगी। लेकिन तेजस्वी की परेशानी उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने बढ़ा दी है। तो क्या है तेजस्वी की रणनीति और तेज प्रताप कैसे बढ़ा रहे हैं उनकी परेशानी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव और सहयोगी दलों के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और अब बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी उन्होंने अपने बड़े भाई तेज प्रताप और महागठबंधन के घटक दलों को खास तवज्जो नहीं दी है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में शामिल दलों की मांग को भी नजरअंदाज कर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। हाल ही में कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर हुए उपचुनाव की तरह आरजेडी ने कांग्रेस की मांग को दरकिनार कर खुद से ही अपनी पार्टी के नाम लगभग तय कर लिए हैं और एक बार फिर एमएलसी चुनावों में भी आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं नजर आ रही है। अब केवल इन प्रत्याशियों के नाम पर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मोहर लगनी बाकी है। इतना ही नहीं, अब एक बार फिर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की ओर से 6 सीटों की डिमांड को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थकों के लिए सीट की डिमांड रखी है। तेज प्रताप यादव ने कहा एमएलसी चुनाव में उन्हें अपने समर्थकों के लिए 25% सीटें चाहिए। यहाँ 25% सीटों का मतलब है लालू के बड़े बेटे एमएलसी की 6 सीटें अपने समर्थकों के लिए चाहते हैं। तेज प्रताप यादव के खास प्रशांत यादव ने कहा अगर आरजेडी विधान परिषद की 6 सीटें छात्र जनशक्ति परिषद को देती है तो छात्र जनशक्ति परिषद का पूरा समर्थन आरजेडी के बाकी उम्मीदवारों को मिलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।